खबर इंदौर से है। यहाँ पर हिस्ट्री शीटा पर जानलेवा हमला हुआ है। नकाबपोश बदमाशों ने हिस्ट्री शीटा पर गोली चलाई। बदमाशों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की है, तो पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। हीरानगर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर में हिस्ट्री शीटा पर जानलेवा हमला हुआ, ये बड़ी खबर इस वक्त की। कई राउंड यहाँ पर फायरिंग हुई है, नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो बड़ी खबर और अहम खबर, इंदौर से बदमाशों ने 3 से 4 राउंड की फायरिंग की है हिस्ट्री शीटर पर। तो आपसी रंजिश से जुड़ा ये पूरा मामला है। पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को, इस घटना को अंजाम यहां पर बदमाशों की ओर से दिया गया। हेमंत शर्मा हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गया। हेमंत, क्या जानकारी मिल रही है? पुरानी रंजिश का ये मामला है, किसी का नाम क्या सामने आया इसमें? देखिए, बिल्कुल, घायल अनिल दीक्षित जो है, इसके ऊपर भी कई मामले जो है मल्लारगंज थाने की बात की जाए, हत्या की कोशिश के मामले जो है वो दर्ज हैं। ये पूर्व सरपंच एरोड्रम थाना क्षेत्र के थे, उनके लड़के हैं और जेल से कुछ समय पहले ही जमानत पे छूटे थे। और हीरानगर थाना क्षेत्र के पास में एक मार्सुमा स्कूल है जहाँ पर ये खड़े थे, वहाँ 5 बदमाश कार से आए थे जिन्होंने 5 फायरिंग करी है। एक गोली इनको कान के ऊपर हड्डी में लगी है। हालांकि हालत जो है अभी गंभीर बताई जा रही है, उनका उपचार निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी बिल्कुल हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।